सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि जो लोग वाकई में अपना शुगर लेवल, जो लोग वाकई में अपना शुगर सही करना चाहते हैं, जो लोग इस बीमारी से थक चुके हैं, परेशान आ चुके हैं, और ऐसे लोग सच्ची में वाकई में अपने इस बीमारी से हमेशा के लिए अपने आप से अपना छुटकारा पाना चाहते हैं, अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं और अपना स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, वो ही लोग इस वीडियो को देखें। कहने का मतलब है कि कुछ लोगों के मुझे अननेसेसरी ऐसे कमेंट मिलते हैं, ऐसे कमेंट देखने को मिलते हैं कि 2 मिनट की जानकारी के पीछे आपने 8 मिनट बर्बाद कर दिया, 10 मिनट बर्बाद कर दिया। कृपया ऐसे लोग मेरी वीडियोस को कभी भी ना देखें। मैं किसी को फोर्स नहीं करता कि आप मेरी वीडियो देखें। जिनको जरूरत है एक अच्छी जानकारी की, अगर उनको लगता है कि या इस चैनल से मुझे एक अच्छी जानकारी मिल रही है, एक अच्छी जानकारी मिलने से मैं अपना शरीर स्वस्थ रख सकता हूं, अपना ट्रीटमेंट अच्छा कर सकता हूं, तो वो लोग मेरी जानकारी को जरूर देखते हैं और पूरा देखते हैं। तो इसलिए जो लोग सही में वाकई में अपना शुगर लेवल, अपना बढ़ा हुआ शुगर जो शरीर में उनको परेशान कर रहा है, अगर उसको सच में सही करना चाहते हैं तो वही लोग इस वीडियो को कंटिन्यू रखें, बाकी लोग छोड़ दें, देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्योंकि यहां पे आप लोगों के लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन, एक ऐसा रामबाण उपाय आप लोगों के बीच में लेके आज मैं आया हूं, जिसका वाकई में इतना जबरदस्त बेनिफिट है, इतना जबरदस्त बेनिफिट है कि आप पहले दिन से जैसे लेना शुरू करेंगे, पहले दिन से ही उसका रिजल्ट आप 100% आप अपने खुद के अंदर आप देख पाएंगे। दोस्तों यहां पे मैं बात कर रहा हूं मधुमेह रोग के बारे में। आज के टाइम पे भागदौड़ भरी जिंदगी में अपने लाइफस्टाइल की वजह से, किसी भी रीजन से लगा लीजिए, यहां तक कि बच्चों से लेके, नौजवानों से लेके और बूढ़े तक इस बीमारी का शिकार हुए पड़े हैं। किसी भी मोहल्ले में आप निकल जाओ, किसी भी शहर में आप निकल जाओ, किसी भी राज्य में आप निकल जाओ, कहीं भी आप चले जाइए, डायबिटीज से ग्रस्त इतने सारे लोग आपको मिलेंगे, इतने सारे लोग आपको मिलेंगे कि आप देख के हैरान हो जाएंगे। बच्चों से लेके, नौजवानों से लेके बूढ़े तक इस बीमारी का शिकार हुए पड़े हैं और अनेक तरह की दवाएं खा खा के परेशान हो चुके हैं। डायबिटीज की बीमारी, मधुमेह की बीमारी से जो लोग ग्रस्त हैं और अपना जीवन बहुत एक ऐसी स्थिति में वो लोग अपना जीवन गुजार रहे हैं जिसकी वजह से उनका परिवार भी परेशान है, वो लोग भी परेशान है, तो उन लोगों को, उन लोगों के हित में, उन लोगों की सोच के आज मैं ये वीडियो, ये नुस्खा आप लोगों के बीच में आज मैं लेके आया हूं। बहुत ही बेहतरीन और 101% रिजल्ट देने वाला नुस्खा आप लोगों को मैं देने जा रहा हूं। पहले दिन से आप इस्तेमाल करना शुरू करेंगे, पहले दिन से आप इसका रिजल्ट देखने को आपको मिलेगा। और अगर आप लगातार कुछ दिनों तक कंटिन्यू, वो आपको शुगर लेवल के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको बहुत ज्यादा शुगर लेवल बढ़ा हुआ है तो आपको थोड़ा सा लंबे टाइम तक इसको लेना पड़ेगा, लेकिन गारंटी इतनी है कि ये जड़ से खत्म करेगा, इस चीज में कोई दुराई नहीं है। आप नुस्खा लेंगे, आपको खुद ब खुद एक एनर्जेटिक, एक एनर्जी आपके शरीर में खुद ही आप अपने अंदर फील करेंगे कि हाँ वाकई में जो जो सिम्टम आप शुगर के दौरान, मधुमेह के दौरान आप महसूस करते हैं, दवाई लेने के बाद में वो सिम्टम पहले दिन से ही कंट्रोल होने शुरू हो जाएंगे। इतना लाजवाब नुस्खा आप लोगों को देने जा रहा हूं आज मैं। दोस्तों नुस्खे में आपने जो जो चीजें लेनी है, मैं फालतू बात नहीं करने वाला, आपको सीधा नुस्खा देने जा रहा हूं आज मैं। जो जो चीजें आपने लेनी है वो आप नोट कर लीजिए। आपने 8 से 10 चीजें आपने पंसारी की दुकान से लेके आनी है, जो इजिली किसी भी पंसारी की दुकान से आपको मिल जाएंगी और घर पे आप उस दवाई को बना सकते हैं। जो प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए आप ये दवाई अपने घर पे बनाएं और जैसे जैसे जो मैं विधि बताऊंगा, जिस तरीके से मैं आपको सेवन करना बताऊंगा, उस तरीके से अगर आप इसका नियमित सेवन करेंगे तो आपकी ये समस्या परमानेंट जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको कहीं भी, कहीं से भी कोई और दवाई खाने की कभी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप कॉपी पेन ले लीजिए, आप नुस्खा नोट कर सकते हैं। नीम की गुठली आपने 100 ग्राम लेनी है, जामुन की गुठली 100 ग्राम लेनी है, करेले के बीज आपने 100 ग्राम लेने हैं, चिरेता आपने 100 ग्राम लेना है, काले तिल आपने 100 ग्राम लेने हैं, मेथी दाना आपने 100 ग्राम लेना है और अजवाइन आपने 100 ग्राम लेनी है, तुलसी के सूखे हुए पत्तों का जो पाउडर आता है वो आपने 50 ग्राम लेना है, इसके अलावा आपने घर में पिसी हुई हल्दी जो लेनी है वो 50 ग्राम लेनी है और आंवला पाउडर आपने 50 ग्राम लेना है। देखिए दोस्तों सारी की सारी चीजें मैंने आपको बता दी हैं, कौन कौन सी चीजें आपने लेनी है और कितनी क्वांटिटी में लेनी है। ये सारी की सारी चीजें आप किसी भी पंसारी की दुकान से लाके और अपने घर में उनको अच्छे से साफ करके, किसी भी तरह की धूल मिट्टी या पत्थर उनके अंदर है आप उनको अलग कर लीजिए, उनको साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद में आपने 1 by 1 करके आपने मिक्सी की मदद से आपने उनको अच्छे से पीस लेना, पीस के पाउडर बना लेना सारी की सारी चीजों को।
हल्दी की गांठ जो आपको लेके आनी है वो थोड़ी सी हार्ड होगी, इसलिए आप उसको इमाम जस्ते की मदद से आप उसको पहले कूटें, उसके बाद आप उसको मिक्सी में बारीक पीस के उसका पाउडर बना लें, यानी कि हल्दी के रूप में आप उसको परिवर्तित कर लें। दोस्तों 10 की 10 चीजें जो मैंने आपको बताई हैं, 10 की 10 चीजों का जो क्वांटिटी बताया है उतनी क्वांटिटी के हिसाब से आपने अच्छे से पीस के पाउडर बना लेना है। पाउडर ये ऐसा होना चाहिए कि बहुत जैसे हमारा पिसा हुआ हमारा गेहूं का आटा होता है, ठीक वैसा ही हमारा पाउडर होना चाहिए। उसके बाद आपने किसी छन्नी की मदद से या आप सूती कपड़ा ले लीजिए, थोड़ा सा सूती कपड़े की मदद से आप उसको अच्छे से छान लीजिए। सूती कपड़े में से जैसे छानेंगे या छन्नी की मदद से छानेंगे तो बहुत ज्यादा थिन बन के निकलेगा, बहुत ज्यादा एकदम बारीक बन के निकलेगा, तो वो आपकी दवा है। उस सारी की सारी दवाओं को आपने किसी एक कांच के बर्तन में डाल के अच्छे से पहले तो उसको मिक्स करना है, सारी की सारी दवाओं को मिश्रण को मिक्स कर लेना है, उसके बाद किसी कांच के बर्तन में भर के एयर टाइट कंटेनर में आप उसको डाल के रख लें ताकि उसके अंदर सीलन वगैरह नमी वगैरह ना जाए। दोस्तों ये आपकी दवा तैयार है। ये दवा इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इतनी ज्यादा फायदा देने वाली दवा है कि आप खुद इसका रिजल्ट अपने सामने महसूस करेंगे पहले दिन से ही। ऐसी दवा आपको दे दी है मैंने। इसका इस्तेमाल कैसे करना है? इसका इस्तेमाल आपको सुबह खाली पेट करना है, हर रोज सुबह खाली पेट, हर रोज सुबह खाली पेट आपने एक गिलास गुनगुने पानी के साथ आधा चम्मच इस दवा का जो पाउडर है जो चूर्ण है आपने उसका सुबह खाली पेट इस्तेमाल करना है। जिनको हाल में ही शुगर की समस्या हुई है वो 15 से 20 दिन करें या महीना करें, जिनको काफी पुरानी है चाहे 2 साल से है, 10 साल से, 20 साल से है, चाहे कितनी भी पुरानी से पुरानी आपको शुगर की समस्या है, वो लोग कंटिन्यू 2 से 3 महीने तक इस दवाई का लगातार सेवन करें। लगातार सेवन करने से आपकी ये बीमारी परमानेंट आपके शरीर से बाहर हो जाएगी। आप देख के खुद हैरान भी होंगे और दूसरे आसपास के लोग जो इस बीमारी से ग्रस्त हैं आप उनको ये एडवाइस भी देंगे कि आप ये वाली दवाई लीजिए, इससे बेस्ट कोई दवाई नहीं है। क्योंकि ये दवाई हम पर्सनली कितने सारे लोगों पे आजमा चुके हैं, कितने सारे लोग सही हो चुके हैं जिनका शुगर का लेवल 350-400 तक पहुंच गया था, ऐसे लोगों को हमने बिल्कुल नॉर्मल कर दिया है और काफी टाइम से 6-6 महीने 1-1 साल से वो लोग बिल्कुल नॉर्मल जिंदगी अपनी जी रहे हैं, दोबारा शुगर के बढ़ने की कोई शिकायत अभी तक उनके अंदर देखने को नहीं मिली है। तो आप लोगों से भी यही मेरा सजेशन है कि इस इंपॉर्टेंट जानकारी को जो मैंने आपको दवाई बताई है आप इसका लाभ खुद भी उठाएं और अपने आसपास के जितने लोग इससे ग्रस्त हैं इस बीमारी से उनको भी आप इसका लाभ जरूर करवाइए। दोस्तों इसके अलावा जो जो चीजें आपने ध्यान में रखनी है, कुछ चीजें आपने परहेज करनी है, कुछ चीजें जैसे फ्रूट में कुछ चीजों का परहेज करना है, साग सब्जी में आपने कुछ चीजों का परहेज करना है, इसके अलावा ड्राई फ्रूट में कुछ चीजों का परहेज करना है, तो ऐसी चीजों का मैं परहेज आपको बताने वाला हूं, जो जो चीजें खानी है जो जो चीजें नहीं खानी है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी दवाई आपको 101% जो इसका रिजल्ट है वो आपके शरीर में आपको देखने को जरूर मिलेगा। देखिए यहां पे पहले हम फ्रूट की बात कर लेते हैं। फ्रूट में जितने भी मीठे फ्रूट है जैसे केला है, केले के अलावा अंगूर है, आम है, और इसके अलावा आपका चीकू है, ऐसी चीजों का, लीची है, आड़ू है, ऐसी चीजों का सेवन आपको नहीं करना है। दूसरे फ्रूट है जितने, इसके अलावा आप मौसमी का सेवन कर सकते हैं, संतरे का सेवन कर सकते हैं, पपीते का सेवन कर सकते हैं, तो ऐसे फ्रूट का आपको सेवन करना है और जो नहीं बताया ऐसे फ्रूट का सेवन आपने नहीं करना है। ड्राई फ्रूट में आप बादाम का सेवन कर सकते हैं, अखरोट का सेवन कर सकते हैं, और इसके अलावा आप अंजीर का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं, जैसे काजू का सेवन ना करें, किशमिश का सेवन ना करें, पिस्ता का सेवन ना करें, तो ड्राई फ्रूट में आपने इन चीजों का ध्यान रखना है। दोस्तों इसके अलावा हरी सब्जियों का आप सेवन करें, मेथी का सेवन करें, पालक का सेवन करें, और मीठी चीजों में आप गन्ना ना खाएं, गुड़ ना खाएं, और इसके अलावा आप चीनी का सेवन बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको मीठा खाना है तो आप देसी खांड का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी कभी कभी, हर रोज आपने उसका इस्तेमाल नहीं करना है। तो दोस्तों ये सारी की सारी जो चीजें आज मैंने आपको बताई हैं, ये सारी की सारी मधुमेह से जुड़ी हुई चीजें हैं, शुगर जो बीमारी है उससे जुड़ी हुई चीजें हैं कि क्या चीज आपने खानी है, क्या चीज आपने नहीं खानी है। तो जो दवाई मैंने बताई है, दवाई के साथ साथ अगर आप इन चीजों का परहेज नियम से और नियमित रूप से अगर आप कर लेंगे तो आपकी ये बीमारी 2 से 3 महीने के अंदर आपके शरीर से परमानेंट बाहर होगी, इस चीज में कोई शक नहीं है।
तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसका लाभ उठाएं। अगर जानकारी अच्छी लगे तो जानकारी को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें, लोगों तक पहुंचाएं। जरूरतमंद लोग जो काफी पैसे खर्च करते हैं, जो जिनका पैसे का बजट नहीं है और वो अपनी बीमारियों पे बहुत ज्यादा पैसे खर्च करते हैं, तो ऐसे लोग फ्री में इन दवाइयों की मदद से अपना ट्रीटमेंट अपना खुद से कर सके। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटे वाले बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, ताकि हर लेटेस्ट वीडियो की जानकारी आप लोगों तक सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से पहुंचती रहे और आप उसका लाभ उठा सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।